अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक नाउ। आज हम आपको लेदर पे कैसे स्केचिंग की जाती है वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले ये स्केचिंग करके उसके ऊपर साइज नंबर लगाए जाते हैं कि ये किस शूज़ पे लगेगा, ठीक है, ताकि जो वर्कर होता है उसको याद रहे कि ये आर्ट, ये जो साइज़ लगा हुआ है ये इस जूती को लगना है और ये वाला साइज़ इसको लगना है। डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि अब ये इसका डिफरेंट साइज़ है 9 नंबर, इसका 7 और 6 नंबर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये 8 और 9 पे यूज़ किया जाता है, वो जो यूज़ हो रहा है वो भी 11 या 12 पे यूज़ किया जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्केचिंग इसके ऊपर, ये प्रीमियम क्वालिटी का लेदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग आग में लोहे गर्म करके लोया उसके ऊपर फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को होता है कि यार लेदर पर रिंकल्स वगैरह क्यों आते हैं, क्योंकि बॉस लेदर की निशानी ही रिंकल्स होता है कि लेदर पर रिंकल्स आते हैं तो पता लगता है कि यार ये लेदर है और अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ किया गया है। ये देखें ना, सिल्वेट इसमें भी हैं, ये स्केचिंग हो रही है, उसके बाद इसकी कटिंग होगी और उसके बाद ये जूती पे यूज़ किया जाएगा। ये जूती के अंदर वाली साइड पे लगता है ताकि पाँव में से स्मेल वगैरह ना आए। अगर आप गीला पाँव के साथ भी जूती पहनते हैं ना, तो फिर भी लेदर की जूती की यही निशानी होती है कि आप पाँव में पहन के भी आपके स्मेल नहीं आएगी। जो सिंथेटिक लेदर वगैरह यूज़ किया जाता है ना, उसमें ये इशू आता है कस्टमर्स को कि वो कस्टमर जब पहनते हैं उसके बाद स्मेल आती है, लेकिन इससे स्मेल नहीं आएगी इंशाल्लाह। हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं आप उनको बाय करने के लिए हैरिस रिटेल की वेबसाइट, इंस्टा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।